हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, जो कि मनी एंड क्रेडिट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। सो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों डिस्कस कर रही हूँ, तो आप मुझे बताना भी सही कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंट्स ऑफ वॉन्ट्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल। मनी कैसे डबल कॉन्सिडेंट्स ऑफ वॉन्ट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एग्जांपल से एक्सप्लेन कीजिए। तो इट एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस। ये किस तरीके से एक्ट करता है, इंटरमीडिएट के रूप में एक्ट करता है एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर। पीपल में परचेज एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ मनी। लोग कुछ भी खरीद सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। देर इज़ नो नीड टू हैव एनी गुड और कमोडिटीज़ फॉर एक्सचेंज। कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी गुड्स के लिए या कमोडिटीज़ के लिए फॉर एक्सचेंज। मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी खुद अपने आप में कैसे एक्ट करता है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एग्जांपल की बात करें तो अ पर्सन वर्किंग एज एन इंजीनियर इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एक पर्सन है, काम कर रहा है एज एन इंजीनियर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एंड गेट सैलरी फॉर हिज ऑफिस। विद दैट मनी ही परचेजेज डिफरेंट गुड्स फ्रॉम द मार्केट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज फैमिली। अब उस सैलरी का वो क्या करता है, यूज़ कर लेता है, मनी स्पेंड कर देता है परचेज करने में, अलग अलग गुड्स को मार्केट जाकर खरीद लेता है, जो भी रिक्वायरमेंट है फैमिली की उस अकॉर्डिंग। तो ही मेक्स पेमेंट इन कैश। वो पेमेंट किस रूप में करता है, कैश के रूप में। एंड डज नॉट नीड एनी प्रोडक्ट फॉर एक्सचेंज। उसको कोई प्रोडक्ट नहीं, आपस में एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। दस मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंट्स ऑफ वॉन्ट। इस तरीके से मनी क्या करती है, डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वॉन्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। नाउ कम सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट का क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम फॉर्मल के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम इस तरीके से आपको लिखना कैसे एग्जाम के अंदर। आप दो कॉलम्स बना लीजिए, एक तरफ फॉर्मल एक तरफ इनफॉर्मल। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मल सेक्टर की। तो इट इंक्लूड्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। जिस बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट का पार्ट है। और इनफॉर्मल के अंदर क्या आते हैं, मनी लेंडर, आर ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सारे आते हैं हमारे इनफॉर्मल के अंदर। सेकेंड, दे हैव टू फॉलो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। फॉर्मल को क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। दे ऑल्सो हैव गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बट दे आर नॉट फॉलोड। होते तो है बट फॉलो नहीं किए जाते। RBI सुपरवाइज करती है फॉर्मल सेक्टर सोर्सेज ऑफ लोन्स के लिए। यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सुपरवाइज करने के लिए। दे प्रोवाइड लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट। लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है। दे प्रोवाइड लोन एट व्हाटएवर इंटरेस्ट रेट दे चूज। और ये लोन प्रोवाइड करते हैं व्हाटएवर इंटरेस्ट रेट, जो भी ये चार्ज करना चाहे उस अकॉर्डिंग। द पर्पस ऑफ फॉर्मल सोर्सेज इज प्रॉफिट मेकिंग एज वेल एज पब्लिक वेलफेयर। फॉर्मल सोर्सेज का जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्निंग है और पब्लिक वेलफेयर है। और इनफॉर्मल सेक्टर का जो है ओनली अर्न प्रॉफिट, इनका मेन एम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टू फंक्शंस ऑफ मनी। कोई से भी दो फंक्शंस बताइए मनी के। पहला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट इज़ यूज्ड इन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वी कैन गेट कमोडिटीज़ इन एक्सचेंज ऑफ मनी। हमें कमोडिटीज़ मिल जाती है जैसे ही हम मनी का पेमेंट करते हैं। पेमेंट्स आर मेड थ्रू मनी। जितने भी पेमेंट्स हैं वो मेड हो जाते हैं थ्रू मनी। नेक्स्ट, स्टोर ऑफ वैल्यू। पीपल वॉन्ट टू हैव सम करेंसी नोट्स और कॉइन्स इन देयर पॉकेट। हर कोई चाहता है कि हमारे जेब में क्या रहे, कुछ करेंसी नोट्स रहे, कॉइन्स रहे पॉकेट के अंदर, ठीक है, होम, बैंक अकाउंट एसेट्रा। टू यूज़ देम एनी टाइम फॉर द पर्पस ऑफ एनी थिंग, ताकि हम किसी भी समय उसका इस्तेमाल कर सकें। इट इज़ पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ मनी। और ये मनी की वजह से ही पॉसिबल होता है, इसलिए मनी का इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द यूजेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या यूजेज होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। इट हेल्प्स बोरोअर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। ये बोरोअर्स को हेल्प करता है कोलेटरल की समस्या से उभरने के लिए। इट प्रोवाइड्स टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस एंड एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। टाइमली लोन प्रोवाइड करता है अलग अलग पर्पसेस के लिए और वो भी रीजनेबल इंटरेस्ट रेट के थ्रू। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग रूलर पुअर पीपल। ऑर्गेनाइज करने के भी काम आता है रूलर पुअर पीपल को थोड़ा अपर उठाने के लिए। वुमेन को हेल्प करता है टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बन सके। मीटिंग्स होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, वो प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये डिस्कस कर सके वेरियस सोशल इशूज़ के बारे में, लाइक जिनको हेल्प की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, डोमेस्टिक वायलेंस से, ये सारी चीज़ों में मदद कर सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्टर सिस्टम हैज़ अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, व्हाट आर दीज। बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कौन कौन सी एक्सप्लेन कीजिए। नंबर वन प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम की, डबल कॉन्सिडेंट्स ऑफ वॉन्ट्स। हम बार्टर सिस्टम के अंदर अ पर्सन हैविंग सरप्लस ऑफ वन कमोडिटी शुड बी एबल टू फाइंड अनदर पर्सन हु वॉन्ट्स दैट कमोडिटी एज वेल एज सम कमोडिटी रिक्वायर्ड बाय हिम इन ऑफर ऑफ एक्सचेंज। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क।
अब आपको पूरे उसमें ऐसा पर्सन ढूंढना जिसको वही कमोडिटी चाहिए और आपको भी उससे वही कमोडिटी चाहिए, बहुत मुश्किल हो जाता है। इफ़ वॉन्ट्स डज नॉट मैच एग्जैक्टली नो एक्सचेंज टेक प्लेस, और अगर वॉन्ट्स फुलफिल नहीं होते दोनों के तो कोई एक्सचेंज होता ही नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम इन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, वैल्यू की मेजरमेंट में भी प्रॉब्लम आती है। एवरी कमोडिटी हैज़ इट्स ओन वैल्यू, हर कमोडिटी की अपनी अपनी वैल्यू होती है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेजर करना कमोडिटीज़ का बाटा सिस्टम के अंदर वैल्यू का, वैल्यू जो है वो मेजर करना। नेक्स्ट, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी देखी गई है। देर आर मैनी गुड्स विच कैन नॉट बी कट इन टू पीसेज, ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं जिनको आप कट नहीं कर सकते टू मेक एक्सचेंज, सच एज गोट हो गया, काउ हो गया, बेड हो गया, चेयर हो गया एक्सेट्रा। इफ दे कट इन टू स्मॉल पीसेज दे विल लूज देयर आइडेंटिटी एंड यूटिलिटी, अगर हम इनको कट कर देंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी भी खो देंगे और यूटिलिटी जो इनका यूज है वो भी खो देंगे। सो दीज कमोडिटीज कैन नॉट बी एक्सचेंज इन पीसेज फॉर डिफरेंट थिंग्स, तो हम इन कमोडिटीज को क्या नहीं कर सकते, इनको कट नहीं कर सकते तो कैसे कर पाएंगे, तो ये लैक ऑफ डिविजिबिलिटी भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बार्टर सिस्टम में। प्रॉब्लम ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, बार्टर सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एनी मेथड ऑफ स्टोरेज ऑफ परचेजिंग पावर, कोई मेथड नहीं देता फॉर स्टोरेज ऑफ परचेजिंग पावर। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मनी एंड क्रेडिट चैप्टर के वो हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक।